नमस्कार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। तो आज मैं कुछ नए अंदाज में वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं बाज़ार से लेकर के आई थी, मुझे देखिए हरी हरी मिर्चियाँ मिल गई थी बाज़ार से गोल गोल, इसका अचार मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने इसे धो करके धूप में सुखा दिया, और दो चार नींबू भी मैंने ले लिए थे ताकि इसमें जो खट्टापन डाला जाता है ना, उसके लिए मैंने नींबू भी ले लिए थे। और देखिए यहाँ पर सूख रही मेरी आंवला किंडी खट्टी मीठी वाली, और यहाँ पर थोड़े से मैंने आंवले स्टीम करके जो उसकी कलियाँ निकाल के रखी थी, तो मैं इसका अचार भी बना लूँगी। और यहाँ पे मैं लेके आई थी बाज़ार से बर्नियाँ, क्योंकि मेरे पास बर्नियाँ छोटी छोटी नहीं थी, मैं थोड़ा थोड़ा ही अचार डाल रही हूँ। तो ये मैं अचार के लिए बर्नियाँ लेकर आई, जो कि मैं धूप में अच्छे से मैंने गर्म पानी डाल के इसे धो लिया था, तो ये सूख रही हैं। और देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ है, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं हमारे यहाँ पर। कूलर की ट्रे में ऐसे ही कभी फूल पड़े होंगे, और ये देखिए इतने बड़े बड़े गेंदे खिल गए, पर ये इतने हेवी हो गई हैं इनके ये डाल की वो यहाँ वहाँ भाग रही है, इनको मुझे बांधना पड़ेगा। बड़े सुंदर लगते हैं इनको देखो तो सुबह सुबह। तो यहाँ पर जो है मसाले हैं ना, सौंफ राई जीरा, इनको मैं अच्छे से देख लेती हूँ। वैसे बाज़ार से लाई थी तो साफ़ ही थे, फिर भी अच्छे से एक बार चेक कर ले रही हूँ और इनको फिर भूनती हूँ। यहाँ पे जीरा है, सौंफ है। तो यहाँ पर मैं अचार में है ना, जो सरसों की राई होती है ना दरी वाली, वो नहीं डालूंगी मैं इस बार, ये मोटी वाली राई का इस्तेमाल करूँगी। इसे ही मिक्सर ग्राइंडर में पीसूँगी, क्योंकि इससे भी टेस्ट बड़ा अच्छा था। आज तक मैंने इस तरह का अचार नहीं डाला, पर मैं पहले टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाली सरसों की राई के साथ में। तो देखिए यहाँ पर भूनना स्टार्ट हो गया है, और ये देखिए ऐसे पहचाने आप, ये अदरक नहीं है, ये है कच्ची हल्दी। इसका अचार भी बना के खाना चाहिए, किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। घर में बच्चे बड़ों बुज़ुर्गों सबको दीजिए, कहीं आपको दिख जाए तो ज़रूर ले लेना, ये बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए इसके छिलके मैंने निकाल लिए, और यहाँ पर मैं इसको रख दिया है, और छिलकों को मैं अच्छे से धो लूँगी, और इसको मैं वेस्टेज तो नहीं जाने दूँगी, इसका भी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी इसे अच्छे से धो लेती हूँ, और धोने के बाद मैं इसे धूप में अच्छे से सुखाऊँगी। तो देखिए सारे छिलकों को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। ये स्किन के लिए, हेयर के लिए, आइज़ के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए, बॉडी पेन में सबसे ज़्यादा काम आती है हल्दी। तो कच्ची हल्दी जहाँ भी मिले उसको तो भाई तुरंत ही ले लेना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए यहाँ पे मेरे मसाले जो है ना सिक गए थे, तो अभी कढ़ाई गर्म थी तो मैंने गैस बंद कर दिया, और उसमें नमक, थोड़ी काली मिर्ची, हल्दी थोड़ी सी ही ली है, और लाल मिर्च डाल के एक बार अच्छे से इन्हीं मसालों के साथ मिक्स करके अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। अभी बिल्कुल गैस बंद है, अभी टेम्परेचर इसमें है तो इसी में सिक जाएगा ये। तो मेरे मसाले अच्छे से भुन गए, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मैं फटाफट से इसको पीसूँगी, और पीस के इसको सरसों के तेल में मिक्स करके, और फिर मैं आपको बताती हूँ। आज मैं ना छत पे बैठ के अचार डालूँगी, बड़ी अच्छी धूप है और अंदर ना ठंड है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं नीचे अचार डालूँ, मैं धूप में ही बैठ के डालूँगी। और मैंने ना आपके साथ ये शेयर नहीं कर पाई कि मैंने इसमें मसाले कैसे तेल गर्म करके कैसे मसाले पीस के डाले हैं, क्योंकि ना मेरी एक दीदी का फ़ोन आ गया था, तो वो सब डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं, मसाले भुन गए, आप देखिए मिक्सी में किस मिक्सी में पीस लीजिए, और उसके बाद में आप सरसों के तेल में मिला लीजिए। तो यहाँ पे मेरी हल्दी भी किस गई है, हल्दी का अचार है ना, ये देखिए थोड़ी सी चिप्स टाइप के बच गए इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा अगर आता है तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टुकड़े करके नहीं डालना चाह रही थी, क्योंकि ना अगर किसी को नहीं ज़्यादा अच्छा लगा तो फिर वो टुकड़े वेस्टेज जाएंगे, इसलिए ना इस तरह से किस लिया, तो थोड़ा थोड़ा अचार सर्विंग में दवाई के तौर पे इसको परसो, बाकी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने नहीं ट्राई किया ना, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं ले जा रही हूँ धूप में, हल्का सा इसका जो मॉइस्चर है ना, हल्का सा थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बाकी आप ऐसे भी डाल सकते हैं।
पर मैं किसी भी अचार को बनाने के पहले धूप ज़रूर दिखाती हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, थोड़ा धूप ज़रूर दिखाइए। इससे क्या होता है अचार अपने लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो देखिए मेरी मिर्ची भी सूख गई है, नींबू भी सूख गए हैं, मिर्ची में लगाऊंगी मैं जीरा, और यहाँ पे मेरे सारे मसाले आ गए जैसा कि मैंने कहा था, मैं धूप में लेके आ गई। और देखिए मैंने पीस करके उसमें सरसों का तेल मिलाया, मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है। मिर्ची नींबू में मैं डालूंगी यही मसाला मैं डालूंगी आलू में, और यही मसाला डालूंगी मैं हल्दी में, कोई फ़र्क नहीं होता है, सब एक ही मसाले होते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। और हल्दी के अचार में मैं डालूंगी थोड़ा सा विनेगर, मैं उसमें नींबू का इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास नींबू है ही नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विनेगर से भी अचार जो है प्रिजर्व होता है। अब देखिए एक ही हाथ से कर रही हूँ, मेरे जो है ना मोबाइल, एक हाथ में मोबाइल है और एक उसी से शूट करना, और एक हाथ से कर रही हूँ, तो ये देखिए सब थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। मिर्ची का अचार किस किस ने खाया है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वाली मिर्ची का, गोल वाली मिर्ची का बहुत टेस्टी लगता है। नींबू में डूबी हुई मिर्चियाँ बहुत अच्छी लगती हैं ठंडी के दिनों में जो अचार डलता है। और देख लिए मैंने आंवले भी मिला दिया, ये भी इसमें मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा है, मैं कुछ दिनों के बाद में इसमें धूप लगने के बाद में थोड़ा सरसों का तेल गर्म करके और डाल दूँगी। और यहाँ मेरी हल्दियाँ भी सूख गई तो मैं लेकर के आ गई, और यही मसाला अब मैं हल्दी में भी मिक्स कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, प्लीज़ तो लाइक ज़रूर कर दो और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए मिक्स कर रही हूँ, ठंडियों में इस तरह के अचार सभी लोग बनाते हैं, मुझे भी बड़ा शौक है बनाने का, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर लूँ। तो हल्दी का तो मैं पहले टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, पर सबने खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। देखिए अब मैं इनको भर दूँगी, ये ठंडे हैं बिल्कुल, कोई गर्म नहीं है मसाले में, ठंडा है अचार बिल्कुल। यहाँ देखिए मैंने अब डाल दिया है विनेगर, अच्छे से मिक्स करके मैं बर्नियों में भर के इन्हें 2-4 दिन की अच्छी सी वाली धूप दिखाऊंगी, और धूप दिखाने के बाद में फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।